नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी ने आज देश को 5 बड़े संदेश दिए। पीएम ने रामनगरी को करोड़ों की सौगात दी, जिसमें रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट शामिल है। अयोध्या भ्रमण पर निकले पीएम मोदी का हर गली और हर नुक्कड़ पर भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की गई। आइए देखते हैं पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। तो सबसे पहली खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, 22 जनवरी को घर में श्रीराम ज्योति जलाएं। प्रधानमंत्री मोदी की देशवासियों से यह अपील, 22 जनवरी की शाम दिवाली मनाएं। प्राण प्रतिष्ठा पर पीएम मोदी की देश से यह अपील है, 22 जनवरी को नहीं उसके बाद ही अयोध्या आएं। सुरक्षा के लिए प्रार्थना है कि 22 जनवरी को ना आए। आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है। तो वहीं डिजिटल टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी हमारा देश छाया हुआ है। देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है, भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त एक सप्ताह पहले 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से पूरे देश के छोटे मोटे सब तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाना चाहिए। हर मंदिर हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रभु राम पूरे देश के हैं और प्रभु राम जी जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, हमारा एक भी तीर्थ क्षेत्र उसका और उसके परिसर के इलाके का अस्वच्छ नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। अब से कुछ देर पहले मुझे अयोध्या नगरी में ही एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन की 10 करोड़वीं लाभार्थी बहन के घर मुझे जाकर के चाय पीने का मौका मिला। जब 1 मई 2016 को हमने यूपी के बलिया से उज्ज्वला योजना शुरू की थी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये योजना सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचेगी। अयोध्या से आज ऐसी कई तस्वीरें सामने आई जिसने हैरान भी किया और सुखद एहसास भी दिलाया। पीएम अचानक उस मांझी परिवार से मिलने पहुंच गए जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। पीएम ने यहां एक छात्रा के साथ सेल्फी ली और एक छात्र को ऑटोग्राफ भी दिया। तीसरी खूबसूरत तस्वीर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी से जुड़ी हुई है, जो पीएम मोदी पर फूल बरसाते नजर आए। अंसारी ने कहा कि पीएम मोदी ने अयोध्या का विकास किया है और उन्हें सच बोलने में कोई हिचक नहीं है।
इस बीच आपको बता दें एक और महत्वपूर्ण खबर, अयोध्या में सूरज मां जी के घर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। उज्ज्वला योजना के दरअसल लाभार्थी हैं सूरज मां जी। पीएम आवास योजना के लाभार्थी हैं सूरज मां जी, जिनके घर पर पहुंचे पीएम मोदी। ये तस्वीरें आप देखिए, मां जी परिवार को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी दे सकते हैं, ये बड़ी खबर भी हमें मिल रही है। अभी प्रधानमंत्री आके मिल के गए, मीरा जी क्या कहेंगे, क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने आपको? यही पूछा कि क्या क्या योजना मिला, मैंने कहा कि यही आवास मिला है और गैस मिल गया हमको। पहले चूल्हे पे बनाते थे, अभी गैस पे बनाने लगे, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ ये सब। तो आपने कुछ खिलाया अभी प्रधानमंत्री जी को? जी मैंने अपने हाथ से चाय बना के पिलाया। हाँ, जी क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने आप? बोले बहुत अच्छा चाय बनाई हो, बहुत मीठा कर दी हो। मैंने कहा मैं मीठा ही चाय बनाती हूँ। अच्छा क्या करती हूँ वैसे मीरा जी आप? मैं फूल बेचती हूँ घाट पे। कहाँ पे? घाट पे। अब क्या क्या आपको लाभ मिला है प्रधानमंत्री की योजनाओं का, कौन कौन सा लाभ मिला है? यही कि आवास का घर मिला है और गैस मिला है, पानी फ्री मिल रहा है। अच्छा तो ये आप इनके पति हैं? जी। आपको क्या कहा प्रधानमंत्री जी, मिले तो आपसे क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? हमने पूछे कि आपको आवास मिला है? हमारे यहाँ आवास मिला है। और पूछ रहे थे सब मतलब ठीक है, हम यहाँ सब ठीक है, आपकी कृपा से आवास आया है, पानी मतलब मिल रहा है हमको, फ्री में राशन मिल ही रहा है, ऐसे पूछ रहे थे। तो बोले बहुत खुश हो ना, हम आपसे बहुत खुश हैं, आप आओ, आप हमारे घर आए। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलने पीएम मोदी जब अयोध्या के मांझी नगर पहुंचे तो वहां उन्होंने स्वाति के साथ सेल्फी भी ली और राम मंदिर की पेंटिंग पर अपना ऑटोग्राफ दिया। ऑटोग्राफ पाने वाले छात्र अनुज कुमार ने पीएम को थैंक्स कहा। अचानक प्रधानमंत्री जी आए और हम लोगों ने मोहल्ले के हैं तो आकर यहाँ पे खड़े हुए, और राम मंदिर का मॉडल मेरा भाई बनाया हुआ था तो उन्होंने वो मिले और हम लोगों ने कहा प्लीज़ ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो उन्होंने अपना ऑटोग्राफ दिया। और हम सेल्फी लेने के लिए कह रहे थे तो उनके गार्ड्स ने मना भी किया, लेकिन वो कहे नहीं, पीएम मोदी जी ने कहा कि नहीं बच्ची ये लेने दीजिए, तो उन्होंने मेरे साथ एक सेल्फी दी। ये आपने जब बनाया था ये मॉडल तो आपको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच जाएगा? उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अब आ गए तो बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर आपको वेरी गुड तो मिला हुआ है, ये टीचर ने दिया है। हाँ। ये तस्वीर जब आपने बनाई थी आपको जानकारी थी कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आने वाले हैं तो हम एक बना के रखते हैं या फिर उन तक कहीं मिलने का मौका? उस टाइम तक पता नहीं था, लेकिन अभी जब आए तो मतलब सुबह सुबह पता चला, तो मैंने कहा कि ले आए, इस पे देखते हैं साइन होगा तो होगा। अच्छा तो जैसे ही आपको जानकारी मिली आप अपने घर से निकले और यहाँ पहुँच गए आप सीधे? हाँ, हाँ। अच्छा और भीड़ में आप खड़े थे और प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बुलाया, कैसे हुआ ये मुलाकात कैसे हुई? मतलब हम खड़े थे, वो मतलब मैंने ऊपर किया ये, तो वो देखे तो कह रहे हैं क्या है, कितना बढ़िया लग रहा है, तो बाहर आने दिए तो मतलब साइन करे। अब ये साइन करके आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑटोग्राफ आपको इस पर मिल गया है, इसको आप हमेशा के लिए सहेज कर रखना? हाँ, चाहेंगे? कभी ऐसे सोचा था आपने? हाँ, तो सहेज के रखेंगे। सहेज के रखेंगे। हाँ। इसी के साथ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।